हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको एक बहुत ही ज़्यादा स्पेशल बाइक का रिव्यू देने जा रहे हैं, जिसका नाम है जी सुजुकी GS 150R। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये बाइक अभी तक सुजुकी ने पाकिस्तान की मार्केट में अवेलेबल नहीं की, ये सिर्फ और सिर्फ अभी इंडिया में अवेलेबल है, लेकिन जल्दी सुजुकी की कोशिश है कि इसे पाकिस्तान की मार्केट में भी अवेलेबल करवा दे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले सब भाइयों से एक रिक्वेस्ट है कि जिन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जिन भाइयों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया हुआ तो वो वीडियो को लाइक कर लीजिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप दोस्तों को इस बाइक की चारों साइड की लुक दिखा देता हूँ कि ये किस तरह की बाइक लगती है दिखने में। और ये है जी सबसे पहले इसकी फ्रंट साइड, फ्रंट साइड से इसके बहुत ही ज़्यादा कमाल की लुक लगती है। और ये है जी इसकी राइट साइड, राइट साइड की भी लुक इसकी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। और ये है जी इसकी लेफ़्ट साइड, लेफ़्ट साइड से तो कमाल की लुक लगती है। और सारे पैसे तो इसके बैक साइड के हैं, क्योंकि बैक साइड से इसकी लुक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगती है। सबसे पहले इस बाइक की फ्रंट साइड के बारे में बात कर लेते हैं। तो फ्रंट साइड से ये बहुत ही ज़्यादा कमाल की बाइक लगती है। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि इस बाइक की लाइट बाकी बाइक की लाइट से काफ़ी ज़्यादा मुख्तलिफ है। इस बाइक की लाइट के अंदर हमें बहुत ज़्यादा हाई बीम की लाइट हमें देखने को मिल जाती है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी रोशनी है। इसके अंदर हमें एक LED बल्ब देखने को मिल जाता है, और इसके साथ साथ आप इसके इंडिकेटर देख सकते हैं। इसके इंडिकेटर भी काफ़ी ज़्यादा कमाल के हैं। इसके इंडिकेटर हमें रबड़ के दिए गए हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल हैं। और ये बाइक है, इसकी लाइट के ऊपर आप देख सकते हैं कि सुजुकी की बैंडिंग हुई। अब बात करते हैं जी इसकी राइट साइड के बारे में कि राइट साइड पर हमें किस किस चीज़ के ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। तो राइट साइड पर हमें सबसे पहले इसका ब्रेक का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। ब्रेक इसकी काफ़ी ज़्यादा नरम है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी ब्रेक है इसकी। और साथ ही साथ हमें इसका 150 cc का इंजन हमें देखने को मिल जाता है। तो इस बाइक के अंदर हमें अलॉय रिम्स हमें देखने को मिल जाते हैं, जिसकी क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। और इसके अंदर हमें सर्वस और पैंथर के टायर हमें देखने को मिल जाते हैं, और इसके अंदर हमें जो प्लास्टिक का मरगाट हमें देखने को मिल जाता है। और इसके शॉक की बात करेंगे, शॉक इसके काफ़ी ज़्यादा नरम है, काफ़ी ज़्यादा अच्छे इसके शॉक हैं। और इसके सलेंसर की आवाज़ भी हैवी बाइक की तरह है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी आवाज़ है इसकी सुजुकी की GS 150R की। और इसके ऊपर सलेंसर के ऊपर जो पथरी लगी है वो भी काफ़ी ज़्यादा कमाल का कट है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी लुक देती है वो। अब बात करेंगे जी इस बाइक की लेफ़्ट साइड के बारे में कि लेफ़्ट साइड पर हमें किस किस चीज़ के ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। तो लेफ़्ट साइड पर हमें इसके 4 गियर देखने को मिल जाते हैं, गियर की क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। और साथ ही साथ इसके बैक साइड पर हमें इसके फुटरेस्ट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, काफ़ी ज़्यादा कट के साथ बहुत ही ज़्यादा कमाल की लुक लगती है बाइक की। और इस बाइक के अंदर हमें डिस्क ब्रेक हमें देखने को मिल जाती है, डिस्क ब्रेक की क्वालिटी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा मटेरियल का यूज़ किया हुआ है। अब बात करेंगे इसकी सीट के बारे में, सीट इसकी लेदर फिनिशिंग में है, सीट भी इसकी काफ़ी ज़्यादा नरम है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी सीट है। और इसके ऊपर हम 2 बंदे आसानी से बैठकर सफ़र कर सकते हैं। एक साइड की बात करने से पहले बात करेंगे जी इसके कलर और इसकी प्राइस के बारे में कि किस प्राइस रेंज में ये पाकिस्तान की मार्केट में अवेलेबल हो जाएगी। ये है जी सुजुकी GS 150R का फर्स्ट कलर, काफ़ी ज़्यादा कमाल का लुक लगता है, थोड़ा थोड़ा ब्लू ऐड किया हुआ है, काफ़ी ज़्यादा कट वाला इसका स्टिकर है। और ये है जी इसका सेकेंड कलर, ये है जी पूरा वाइट कलर में, और इसके अंदर थोड़ी बहुत कलर कॉम्बिनेशन की गई है। और ये है जी इसका थर्ड कलर जो कि रेड है, रेड काफ़ी ज़्यादा कमाल का अट्रैक्टिव कलर है। और ये कुछ स्पेशल कलर आ चुका है 4th नंबर पर, ग्रे कलर कमाल का कलर है ये भी। अब आते हैं जी सुजुकी GS 150R की प्राइस के ऊपर कि सुजुकी इस बाइक को पाकिस्तान की मार्केट में किस प्राइस रेंज पर इंट्रोड्यूस करवाने जा रही है। तो ये बाइक सुजुकी GS 150R 2,13,000 की प्राइस रेंज में पाकिस्तान की मार्केट में अवेलेबल हो जाएगी। आपको इस बाइक के टैंक के बारे में बताना चाह रहा था कि इसके अंदर सुजुकी का कितने लीटर का टैंक इसके अंदर हमें अवेलेबल हो जाता है। इसके अंदर हमें 12.5 लीटर का टैंक हमें अवेलेबल हो जाता है। अब बात करते हैं जी इस बाइक के मीटर के बारे में कि इस बाइक का मीटर किस तरह का हमें देखने को मिल जाता है। तो इस बाइक का मीटर फुली डिजिटल हमें देखने को मिल जाता है, सभी ऑप्शन इस के मीटर के ऊपर ही हमें देखने को मिल जाते हैं। राइट लेफ्ट इंडिकेटर का भी और न्यूट्रल का भी और इसके फ्लैशर का भी ऑप्शन हमें देखने को मिल जाता है। तो इस बाइक की स्पीड है जी 150, तो ये आसानी से 144 की स्पीड
पकड़ लेती है। तो 144 की स्पीड पर ये आसानी से पहुंच जाती है। मैं आप लोगों को बताना भूल गया कि इस बाइक के 4 गियर नहीं है, इस बाइक के 6 गियर हमें देखने को मिल जाते हैं। तो ये बाइक 1 लीटर के अंदर हमें 25-26 की एवरेज हमें दे देती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी एवरेज है इस बाइक के लिहाज से। अब बात करते हैं जी इस बाइक की बैक साइड के बारे में। बैक साइड पर हमें बहुत ही ज़्यादा कमाल की लाइट देखने को मिल जाती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लुक देती है हमें। और साथ ही साथ इसके दो इंडिकेटर भी हमें अटैच देखने को मिल जाते हैं लाइट के साथ, जिसकी क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है और बहुत ही ज़्यादा कमाल की लाइट हमें देखने को मिल जाती है। इसके ऊपर इन्होंने ग्लास का यूज़ किया हुआ है। आज की वीडियो में आप दोस्तों के लिए इतना ही। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि कमाल के रिव्यूज़ आपको इस चैनल पर आपको देखने को मिल जाएंगे। और बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट हम इस चैनल पर और भी बहुत ही कमाल के कंटेंट लाने वाले हैं।